चोखा। बाटी चोखा बनाने के लिए हमने इधर बैंगन को अच्छे से धुल के साफ कर लिया है, आलू को साफ कर लिए, टमाटर, हरी मिर्ची। अब हम क्या करेंगे, इसको हम पहले थोड़ा थोड़ा चाकू की सहायता से ऐसे ऐसे प्रेस कर देंगे क्योंकि पकने में आसानी रहेगी। जीरा लगाएंगे अच्छे से, ऐसे मिर्ची डालेंगे। गैस पर स्टैंड रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये बैंगन में हल्का से तेल लगाएंगे ऊपर से, क्योंकि नहीं तो ये बैंगन चिपक जाएगा स्टैंड में। अभी देखो बैंगन अच्छे से पक गया है, अब इसको हम निकाल देंगे, साइड में रख देंगे, दूसरा बैंगन इधर रख देंगे। इधर गेहूं का आटा लिया है 2 कटोरी। अब इसमें हम थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे, इसको हाथ से ऐसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखो अच्छे से फूट गया है, फूट जाने से इसकी महक बहुत अच्छी आती है। इसको डाल देंगे, इसमें हम थोड़ा सा आधा सोडा डालेंगे खाने वाला, क्योंकि हम इसको गैस पे बना रहे हैं, अगर चूल्हे पे बनाते तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। मिक्स करेंगे, नमक डालेंगे, घी ली है जिससे अच्छे से खस्ता हो जाए, इसको डालेंगे। अब इसको हम नॉर्मल पानी से आटा लगा लेंगे। अभी देखो आटा लगा के हमने सेट कर लिया है, अब इसको ढक देंगे। भुना हुआ चना लिया है, आप सत्तू भी ले सकते हैं, पर हमारे पास सत्तू नहीं है तो हम इसको अभी मिक्सी जार में पीस लेंगे। देखो टमाटर भी अच्छे से भुन गया है, अभी ये भी आलू भी अच्छे से भुन गई है, पर अभी ये पकी नहीं है, इसको हम कुकर या इडली वाले बर्तन में पकाएंगे, क्योंकि अभी ये थोड़ा थोड़ा ऐसे जल जैसे गई है कि सोन सोन लगेगी खाने में। कुछ पानी डाल देंगे उबलने के लिए। अभी देखो पानी नहीं पड़ना चाहिए आलू में, पानी अंदर है नीचे, इसलिए अभी इसको हम ढक देंगे, साफ कर लेंगे अच्छे से, छिलका उतार देंगे। अभी हमने छिलका उतार दिया है, आलू इधर पक रही है। अभी हमें भुना हुआ चना पीस के तैयार कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, नमक डालेंगे थोड़ा से, ये अचार का मसाला है इसको डालेंगे, ये लहसुन मिर्ची हमने पीस के, जो लहसुन भुना था वही है पीस के अच्छे से रखा है, इसको डालेंगे। इसको सब मिक्स करेंगे ऐसे, एकदम थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे ये लड्डू जैसे बन जाए। अभी देखो हमने हल्का से पानी डाला, अच्छे सेट हो गया। अब ऐसे हम लड्डू बना के रख लेंगे, सारा लड्डू जैसे बना के तैयार कर दिया, 8 से 10 लड्डू बन गए हैं। अभी हमने देखो छोटी छोटी लोई बना दी आटे की, उसको रख देंगे इधर, इसको ऐसे थोड़ा गोल करेंगे, हाथ से दबा देंगे ऐसे, बेलन से नहीं दबाना है, इसको इसमें लेंगे ऐसे भर देंगे अंदर, इसको ऐसे गोल कर देंगे अच्छे से। देखो गोल गोल बन के तैयार हो गई बाटी। अभी हमने बाटी बना के तैयार कर दी है, इधर कुकर रख दिए हैं, इसमें 1 चम्मच घी डाल के गर्म हो गया अच्छे से। अभी हम इसमें सारी बाटी डालेंगे, अच्छे सारा बाटी इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ी थोड़ी देर पर ऐसे चलाते रहेंगे कुकर के ढक्कन से, पर इसमें सीटी नहीं लगाएंगे ऐसे, एकदम स्लो आँच पर पकाएंगे इसको। अभी देखो आलू भी अच्छे से पक गई है, अब इसमें हम नमक डालेंगे, धनिया पत्ती डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि हम दिखाते हैं कितने अच्छे से हो गई है। देखो बाटी बन के तैयार हो गई है, इसको आप ऐसे घी में डाल भी सकते हैं और ब्रश से लगा भी सकते हैं, डालने से बहुत ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि हमने इसको घी में ही पकाया है, कुकर में डाल के अच्छे से इसे तैयार कर दिए हैं, हम इसमें रख देंगे। हो गया है, हमने इसको चूल्हे पे नहीं बनाया है बल्कि कुकर में बनाया है, सेम चूल्हे जैसे दिख रही है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, ये देखो इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, तुरंत फूट जा रही फोड़ने से।